तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनील माय जेस। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग सच में बहुत ही स्पेशल होने वाला है और आज मिल रहे हैं हम गुजरात में और राजस्थान में और एमपी में गुद्दुम आचार्य, उनसे मिलने वाले हैं, जो कि आप नाम सुने होंगे और नहीं सुने तो आगे बताते हैं कौन है कौन नहीं, ठीक है। और वीडियो को कंटिन्यू करना, बहुत ही मजा आने वाला है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम पहुंच गए हैं हन सिंह भाई के पास और विजय भाई के पास, तो ये बैठे हैं, इनसे रूम पे ले वहीं बस स्टैंड से रूम तक लेके आए और रूम पे लाए, तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। और जस्ट इनके रूम पे बैठा हूं मैं और विजय भाई का पहला क्वेश्चन करेंगे, जो कि आप इनको नाम से तो बहुत जानते, डाले गले में हाथ सुन फोन उठा सेल्फी ले, ये गाना अपने इधर के क्षेत्र में बहुत ट्रेंडिंग में चला है गाना, और ये कहाँ से आता वो अपने को नहीं पता है, तो थोड़ा इनके बारे में जानेंगे। तो भाई, विजय भाई, आप कहाँ से आते हो? भैया, अपन झब्बागढ़ जिले में रहने वाले हैं और अपना गांव छोटा सा उमरकोट है, वहीं से आते हैं और गाने वगैरह तो हम गुजरात में रिकॉर्डिंग करते हैं। ऐसा, तो अभी फिलहाल में आप कहाँ रह रहे हो? अभी फिलहाल में अभी हम मेघनगर में रह रहे हैं। मेघनगर में रह रहे हैं। और आपको चाहक और आपने चाहक ये भी जानते होंगे कि आप सिंगर कब से बने हो? सिंगिंग का काम तो लगभग मैं 2007 से कर रहा हूँ, बाकी जो अपन ने आजकल जो टिमली कपूली के गाने बन रहे हैं, हाँ, ये अपन ने नहीं पहले नहीं बनाए थे ऐसा, बाकी लगभग टिमली कपूली के गाने बनाते हुए हमको, मेरे को, अनसिंह भाई को हमको लगभग 2-1 साल हुए हैं, मिनिमम 2 साल हो गए। तो विजय भाई, आप सबसे पहले जो मतलब सबसे पहले रिकॉर्डिंग किया, तो हाँ, किसके सपोर्ट से गए थे और कौन से स्टेडियम गए थे, और थोड़ा 2 शब्दों गा के बता दो। सबसे पहले तो फर्स्ट सॉन्ग तो मेरा मास्टर स्टूडियो में हुआ था रिकॉर्डिंग, उसके बाद में जो मेरा पॉपुलर सॉन्ग अच्छा चला और शब्द जितना प्यार दिया आप लोगों ने और अच्छा चला, आगे चलाया वो सॉन्ग अपना, विनायक स्टूडियो वडोदरा में रिकॉर्डिंग हुआ था और मैं वहाँ संतोष बारिया के संपर्क से गया था। अच्छा, तो थोड़ा उस गाने का थोड़ा 2 शब्द गा के बता दो, क्योंकि ऑडियंस को पता चलेगा कि इस सॉन्ग को ये भाई गाने वाला। हे जोड़ी तेरी मेरी लगे सुपर है, लैला मजनू से ऊपर है, क्यों दूर खड़ी इस्माइल करे मेरे पास में आ, क्यों डरती है क्यों डरती है क्यों डरती है, अरे डाल गले में हाथ रे सोनू फोन उठा और सेल्फी ले। जी दोस्तों, इस गाने को बेहतरीन आपने इधर क्षेत्र में बेहतरीन चला ये गाना, और बहुत सारे मतलब उस गाने पे वीडियो शूट कर रहे थे जो टीमली डांस के ऊपर, तो ये भाई गाने वाला उस सॉन्ग को। और दूसरा क्वेश्चन है अपना भाई का, तो विजय भाई, आप एजुकेशन कहाँ तक करे हैं? एजुकेशन अपन ने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई तो नहीं है क्या भाई लोग, लगभग 10th तक पढ़े हुए हैं, क्योंकि मेरे को म्यूजिक लाइन में शुरू से शौक था, हाँ, और उसके कारण मैं ज़्यादा पढ़ाई कर नहीं पाया, और फिर क्या है घर का थोड़ा काम धंधे और हाँ, सिंगिंग का सब दो दो हाथ से नहीं खवाता है, इसके लिए मैंने म्यूजिक लाइन पकड़ी और अच्छा चल रहा है माता जी की कृपा से, आप लोगों के प्यार से, और आप लोगों प्यार देते रहेंगे तो आगे भी कुछ हाँ, करेंगे हाँ। और विजय भाई, आप जो इस लाइन में आए और काफ़ी मेहनत तो लगी होगी, कितना क्या क्या उठाना पड़ा, दिक्कत वगैरह? मेहनत तो बहुत लगी है भैया यहाँ पर गाने में, और खैर मेहनत के तो आज सफलता भी पाए हैं, और जितना आप लोगों ने सपोर्ट किया है जो हमारी जनता पब्लिक ने, उनसे भी अपना विनती है कि आप अभी तक हमको आप सपोर्ट कर रहे हो तो इसी तरह आगे तक हमारे को सपोर्ट करिएगा और आगे थोड़ा हमको देना, क्योंकि हम आपके लिए और कुछ नया हर साल नया नया लेके आ रहे हैं, इस साल भी हम नया सॉन्ग लाए हैं अनसिंह भाई का, मुन्ना बदना हुआ डायलिंग के लिए, मेरा भी लंगड़ी लंगड़ी अपने लेवा वो भी अच्छा चल रहा है। तो विजय भाई, आप लंगड़ी लंगड़ी वाला थोड़ा 2 शब्दों गा दें, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो सॉन्ग, मैंने बार बार सुनता उसी सॉन्ग को रिपीट करके सुनता हूँ, तो थोड़ा 2 शब्द बोल दो, लंगड़ी लंगड़ी वाला गाना सब बेहतरीन चल रहा था थोड़ा। है लंगड़ी लंगड़ी ना सिर सोरी, लंगड़ी लंगड़ी ना सिर, लंगड़ी लंगड़ी ना सिर सोरी, लंगड़ी लंगड़ी ना सिर, ए अड़ी रात पीवा माँ आखी रात पीवा माँ, अरे प्रेमी ने है रेली सोरी, लंगड़ी लंगड़ी ना सिर। लाइन तो अच्छा हो, काफ़ी आपको लोग जान रहे हैं ना, प्यार वगैरह सब सपोर्ट दे रहे, कोई मतलब मार्केट में जाते तो कुछ प्यार, लोगों का प्यार कैसा रहता आपका? लोगों को प्यार मुझे अच्छा देते हैं और अपने को रिस्पेक्ट करते हैं यार, म्यूजिक लाइन में आगे तक मेहनत कर रहे हैं, और मैं तो आगे तक ये सोच के चल रहा हूँ कि आगे भी आप जितना सपोर्ट कर रहे हैं हमको आगे भी करो, ताकि हम सपोर्ट करोगे तो और कुछ नए नए गाने लाएंगे और आप लोगों के। तो विजय भाई, आप बात करने के लिए चाहते हैं आपको, तो आपका मतलब नंबर तो नहीं मिल सकता, ऐसे बहुत सारे फ़ोन आते हैं, तो इंस्टाग्राम या कुछ मिल सकता है? मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक नहीं चलाता हूँ, क्योंकि हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं रहता है, हाँ। और इसके लिए हमने खास एक व्यक्ति छोड़ रखा है जिनका नाम है मनोज मेड़ा, क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजर हैं मेरे अनसिंह भैया के, जितने भी हमारे लाइव प्रोग्राम के चाहे रिकॉर्डिंग का हो
जो भी मतलब हमारे जो ग्रुप में जो भी चलता है वो पूरा उनके सुपुर्द कर रखा है हमने। ऐसा हम तो भाई का नंबर स्क्रीन पे मिल जाएगा, आप देख सकते हो, मनोज मेड़ा जी, तो उसका नंबर स्क्रीन पे मिल जाएगा। कुछ भी या गाना बनाना हो या प्रोग्राम लाइव प्रोग्राम जो भी करवाना हो या सॉन्ग या वीडियो चैनल वाला जो भी वीडियो बनवाना चाहे तो उस नंबर पे संपर्क करें और भाई से बात कर सकते हैं। तो अभी विजय भाई आपका वीडियो तो आ चुके हैं, दो तीन वीडियो कितने आ चुके हैं आपका वीडियो? वीडियो तो आ रहे हैं, वीडियो तो कह नहीं सकते कौन कौन से हैं, बाकी वीडियो तो अपन लगभग बहुत आ रहे हैं। हाँ बहुत आ रहे हैं ना। तो अभी फिलहाल में आपका नया गाना है जो बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये गाना कहाँ पे रिकॉर्डिंग करा आपने? बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये सॉन्ग हमने तेरा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में करा था, मैं अनसिंह भाई का तीजा जरा डामर मैंने रिपीट किया है उसमें और अनशिन भाई ने वो आज से गाए हैं। तो विजय भाई आपके उस सॉन्ग में बहुत अच्छी डायलॉग दी आपने, तो थोड़ा उस डायलॉग को बोलते बता। डायलॉग कैसे थी? पानी में आग लगा देगा पूरी दुनिया को हिला देगा, आ गया है ये विजयराज डामोर ऊपर, तो हर एक की नींद उड़ा डाले ये अभी उड़ाने वाला है। और बहुत सारे सॉन्ग आ रहे हैं विजय भाई के, रैप सॉन्ग बहुत आएंगे, बहुत अभी आ रहे हैं, बहुत सारे सॉन्ग आए सुनने के लिए, अच्छे अच्छे मिलेगा। और सबसे ज्यादा आप कौन से चैनल पे सॉन्ग आते हैं आपके? अभी पहले तो हमारे मतलब हर एक चैनल पे आ रहे थे, बाकी फिलहाल में दो दिल एक जान, दो दिल और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, सपोर्ट करना उस चैनल को। दो दिल एक जान हमारे चैनल है, उस चैनल पे अनसिंह भाई कतीजा हम दोनों मिलकर काम अच्छा सा कर रहे हैं और उसी चैनल पे हमारे कंटिन्यू कंटेंट आएंगे। तो दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में सपोर्ट करो, उस चैनल को लाइक करो और इनका सॉन्ग सुनने वीडियो देखने के लिए उस चैनल पे ही मिलेगा, आप दूसरे चैनल पे ढूंढोगे तो कम से कम मिलेगा। हाँ है ना भाई, फिलहाल एक मेन बात यह है कि अनसिंह भाई का सॉन्ग आया है, किसी ने नहीं देखा हो तो प्लीज देख लीजिए। हाँ, वो सॉन्ग कौन से चैनल पे आएगा भाई? आया मुन्ना बदनाम एमके म्यूजिक ऑफिशियल। हाँ हाँ, तो देख लेना लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, क्योंकि वो भी बहुत मेहनत करा, बहुत अच्छा लंबा सॉन्ग है और डीजे सॉन्ग है, बहुत अच्छा सॉन्ग बना है। और विजय भाई आपका नया सरप्राइज क्या है? नया सरप्राइज तो अपना आएगा, फिलहाल तो अपनी लंगड़ी लंगड़ी इवेंट चल रही है और दूसरा अपन धमाका करेंगे, धमाका तो भी नहीं कह सकते, पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ वो तो रहेगा, क्योंकि बहुत जो गाने आपका आ रहा वो ट्रेंडिंग में मतलब वायरल ही होते और सब लोग पसंद ही करते आपको, बहुत अच्छे सॉन्ग बनाते तो सब पसंद ही करे आपका, कोई ऐसा सॉन्ग नहीं निकला जो पसंद नहीं करे। तो अभी आने वाला भी सॉन्ग अच्छा ही बनने वाला होंगे, आने वाला सॉन्ग अपना आएगा घंटा घंटा पब्लिक को नाम सुनने के बाद दोस्तों घंटा सॉन्ग आने वाला है, तो घंटा दबा के रखना, बहुत जल्दी सुनने को मिलेगा घंटा सॉन्ग आ जाएगा तो पब्लिक को मतलब घंटा नाम से कुछ डिफिकल्टी लगेगा, बाकी हम आपको सॉन्ग में पूरा दर्शा के बताएंगे कि ये हिस्सा क्या है, सॉन्ग में क्या है इसके अंदर। तो घंटा का मतलब है दबा के रखना चैनल का घंटा, जो दबा नहीं रखे तो दबा कर नोटिफिकेशन तब तक आ जाएगी। तो अभी फिलहाल में हम रूम पे बैठे हैं, ये रूम पे थोड़ा प्रैक्टिस भी करते हैं, जैसे ये पियानो है यहाँ पे मतलब ये बजाते हैं, इनसे सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कि कौन से धुन पे कौन सा सॉन्ग गाना है, है ना। तो आखिर में विजय भाई हमको थोड़ा हमारे सब्सक्राइब और आपके सब्सक्राइब का थोड़ा दो शब्द बोल दो भैया कि सुनील मावी जो चैनल है तो प्लीज़ उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि हमारे जैसे छोटे मोटे कलाकार लोगों को आपको ब्लॉग मिलते रहेंगे और क्या क्या कलाकार की जो फीलिंग होती है, कैसे गाने बनाते हैं, किस हिसाब से उनकी लाइफ चल रही है, वो सब कुछ आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो सभी से विनती है कि सुनील मावी जेस इनकी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक खास अपने बोले तो सरप्राइज आपको देने वाला ये हूँ कि आपकी जो लैंग्वेज है जो अलीराजपुर तरफ की, उनकी लैंग्वेज में मैं एक गाना बनाने वाला हूँ, तो वो भी लगभग बहुत जल्द लिख के कंप्लीट तो हो गया, खाली रिकॉर्डिंग करना बाकी है। आप लोगों की जो आप अलीराजपुर भाभरा साइड के हो, इनकी मतलब आपकी लैंग्वेज में मैं सॉन्ग ला रहा हूँ, अच्छा कंप्लीट बन, अभी थोड़ा बहुत काम बाकी है। तो दोस्तों वो अपने अपने के अपने लिए बना रहा भाई ने सॉन्ग, मान के चल अपने लिए बना रहा है ना सॉन्ग। तो चैनल तो बता दिया आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में सपोर्ट करना, पर उस चैनल में ही आएगा सॉन्ग? हाँ, दो दिन एक जान पे आएगा। तो वो अपनी लैंग्वेज पे आ रहा, तो अपन प्यार देंगे उस सॉन्ग को और जो भी है। और दोस्तों खास बात ये है कि मेरे सब्सक्राइब से इनकी भाई की चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, आपके आपके इधर की लैंग्वेज का मेरे को सॉन्ग अच्छा लगता है, बहुत अच्छा।
मेरे फ्रेंड ने दिया था, मैं आपके लिए भी थोड़ा गाके सुना देता हूँ। हाँ दो शब्द गाके बता। ओके मुझे हेरो उतार बैठी वो तारा डोला माँ आंसू आई गया, के मुझे हेरो उतार बैठी वो तारा डोला माँ आंसू आई गया, मारे साथ जीले गोरी हो जुआ नहीं कहाँ रड़ती फिरे हो। वाह वाह क्या बात है यार भाई। अरे अभी तक तो गुजराती सॉन्ग में गा रहा था, गुजराती भाषा में गा रहा था सॉन्ग, अभी अपनी भाषा में गा रहा था, बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत अच्छा लगा ये। तो विजय भाई अपने को एक फेवरेट गाना बताएगा छोटा सा डेमो। मैं थोड़ा डेमो, मेरा खास इच्छा, मेरे दिल की अजीज अच्छा लगता है मेरे को सॉन्ग, वो मैं आपको सुना देता हूँ पंजाबी सॉन्ग में। फोन ते तुझे दे हल्लो के हाँ, याद तेरे आज दिल खो गया, दुनिया दीवानी तेरे यार दी पर मैं तेरा दीवाना आज हो गया। ओ मैनू हुण कोई रास न आवे, मैनू हुण कोई रास न आवे सजना तेरे बिना, ओ सजना तेरे बिना हो एक पल चैन न आवे, ओ सानू एक पल चैन न आवे सजना तेरे बिना, ओ सजना तेरे बिना। थैंक यू भाई, थैंक यू, बहुत दिल से थैंक यू, क्योंकि हमारे लिए इतना टाइम निकाल के आपने मेरे को मिले तो बहुत अच्छा लगा, और बस आपने को इतनी बातें बताई कि बस दिल में लगी कि बहुत अच्छा लगा, इतनी अच्छी बातें बताई, तो थैंक यू विजय भाई। और हाँ एक खास बात, आने वाले समय पे कुछ नए नए अंदाज में सॉन्ग लाएंगे, क्योंकि भाई लोगों मुझे भोजपुरी भी आती है, नागपुरी भी, नागपुरी, पंजाबी, राजस्थानी, निमाड़ी, गुजराती और ज़्यादा अंग्रेजी नहीं आती है। तो भाई क्या सब सुनने को लिए, सुनने के लिए मिलेगा आपको वीडियो सॉन्ग सब सुनने के लिए मिलेगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा। YouTube सुनील मावी जयस।